हेलो बीकानेर, अब आ गया है साले की होली के पास। यहाँ पे पाटा पे जो लोग हैं वो बताते हैं कि यहाँ सिर्फ स्थानीय मुद्दों पे चर्चा नहीं होती, नेशनल इंटरनेशनल लेवल की भी चर्चा यहाँ पे होती है। अब नरेंद्र कुमार जी, पहला तो हेलो बीकानेर में आपका स्वागत है। चुनाव नज़दीक, आपको क्या लगता है? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी से संतुष्ट? एकदम संतुष्ट है। 10 साल का कार्यकाल कैसा रहा? पूरा बढ़िया रहा, अच्छा रहा। अच्छा, आपको लगता है स्थानीय जो भी स्थानीय मुद्दों में सारे सॉल्व हुए? सब हुए। कांग्रेस का क्या स्थिति है? खराब है कांग्रेस यहाँ का स्थिति, तो खराब है, मीडिया के लिए ज्यादा खराब है। अच्छा, तो हमें ये मिला है कि कांग्रेस की स्थिति यहाँ अभी भी वही है जो पिछले 10 साल में। दुर्गादास जी, किरण सर, चुनाव नजदीक है, पाटे जो बोलता है वही होता है। तो अब पाटा क्या कहता है? कल्ला को टिकट नहीं मिलेगी, बिंडी कल्ला को टिकट नहीं मिलेगी। पहला ये मेरा सवाल है कि बिंडी कल्ला को, इसके बारे में पूछ नहीं मत। सरकार का कार्यकाल कैसा रहा? सरकार का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, उसमें कोई कमी नहीं है। वापस अब जो चुनाव होगी वापस रिपीट करेगी भारतीय जनता पार्टी का बहुमत लग रहा है, और यहाँ पे दूसरा मत हमें मिला है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ बहुत अच्छा काम कराया है। सरकार फिर से आएगी, फिर आएगी विधायक के रूप में, फिर जीतेगा विधायक के रूप में। आप किसे देखना चाहते? मुकुल जोशी, नवल किशोर जी जोशी। नवल जी, चुनाव नजदीक है, कभी भी टिकटों का फैसला हो सकता है, किसका नाम भी क्या टिकट, आपको क्या लगता है सरकार कैसी रही? सरकार ठीक रही, एक बहुत अच्छी नहीं, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। वापिस इसी सरकार को आना चाहिए, भाई ऐसे ही आना चाहिए। विधायक से लेकर विधायक जी ने तो बहुत अच्छा काम किया, ऐसे विधायक मिलते कहाँ है बार। तो कांग्रेस का स्थिति अब क्या रहेगी आपके साथ? कांग्रेस की भाई हमारे हिसाब से तो सही नहीं लग रही। अपने अपने कार्य में काम किया, अब आ रहे हैं वापस विधायक विधानसभा चुनाव, आपको क्या लगता है कैसा रहेगा? बीजेपी रिपीट होगी साले की होली में? इस पार्टी पे हमें मिला है विधानसभा चुनाव। अब आपकी गणित क्या कहती है? हमारी गणित ये कहती है, हकीकत में अगर आप पूछते और इनको चैनल पे देखो जब तक मैं आपको बताऊं। सर मेरी यही काम है, मैं यही करता हूँ, ये है ना। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि कांग्रेस में कोई कैंडिडेट नहीं है प्रधानमंत्री के योग्य। अपने मुख्यमंत्री क्या बताएं? मुख्यमंत्री हमारी वसुंधरा है। आपके हिसाब से जितना भी काम हुआ वो सही? बहुत ही बढ़िया हुआ है, संतुष्ट है। स्थानीय जहां आप बैठे यहां पे विकास का कार्य कैसे हुआ है? यहां बहुत कुछ हुआ है, ये रोडे बनी हुई है ना, जो ये सब हमारे ही बनाई हुई है। विधायक के रूप में किसको देखना चाहते? मैं तो मेरे ही जो आदमी है उसको ही देखूंगा और वही रहेंगे। नाम अभी इन्होंने बताया ना, गोकुड़ बाबा। अब हम बात कर रहे हैं सुशील कुमार जी से। सुशील कुमार जी, चुनाव नजदीक है, आपका पाटा साले की होली का पाटा क्या कहता है? गोकुल जोशी की डिमांड कर रहा है। गोकुल जोशी विधायक गोकुल जोशी, युवा विधायक के रूप में गोकुल जोशी। चुनाव में थोड़ा ही समय बाकी है, आप अपनी तरफ से अपने चौक के मोहल्ले वासियों की तरफ से क्या कहते हैं, क्या लग रहा है आपको? बीजेपी आएगी, कांग्रेस आएगी, तीसरा मोर्चा रहेगा, क्या रहेगा? नहीं, बीजेपी आएगी, तीसरा मोर्चा का तो सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है।